किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। मैम मैम ऑफलाइन क्लास तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं उनकी पढ़ाई कैसी होगी? राहुल के पापा ने तो साफ मना कर दिया स्कूल आने से। अरे तुम उसकी टेंशन मत लो, वो अभी भी टीचमेंट ऐप के द्वारा हमारे साथ लाइव है। शहर शहर गांव गांव अब टीचर्स ले रहे हाइब्रिड क्लास टीचमेंट के यूनिक फीचर्स के साथ। तो हेलो बच्चों, नुआबा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आवास सेक्शन में आप सभी बच्चों का विशेष से स्वागत है। तो बच्चों आज हम आपका जो परीक्षा पैटर्न है 2022 का लिए एग्जामिनेशन का, 2021-22 का जो आपका एग्जाम चल रहा है ना सेशन का, उसका हम बहुत ही कंप्लीट एनालिसिस करेंगे और आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह से पैटर्न हो सकता है, और आपको उसी आधार पर अभी तैयारी करनी है जब तक आपका पूरा अच्छे से फॉर्मेट पता नहीं चल जाता है। लेकिन बहुत ज़्यादा चांस है कि लगभग इसी तरह से अप्रोक्सीली आप कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं कि इसी तरह का प्रारूप हो सकता है। तो आप अभी खास करके ये प्रारूप आप लोग फॉलो कर सकते हैं, है ना। तो चलिए हम अपना नया जो पैटर्न होने वाला है जिस तरह से हो सकता है उस पर हम बात कर लेते हैं। ऑफिशियली जब तक मॉडल पेपर नहीं आ जाता है और उसके ऊपर कुछ अपडेट नहीं आ जाती कहना थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन जिस तरह के अभी तक अपडेट आ रही हैं और जैसा हम अनुमान लगाते हैं कि आप लोग का ऐसा फॉर्मेट हो सकता है, मैं इस वीडियो में आगे बताने जा रहा हूँ। तो आप लोग विशेष रूप से देख लीजिए और आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइएगा, है ना। तो चलिए, और इसमें मैं बताऊँगा कि मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी है जिसमें आप लोग क्लास 10th और 12th के बच्चे जो बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं जुड़ सकते हैं, तो वो भी आगे मैं बता दूंगा। तो चलिए आप लोग वीडियो में शुरू करते हैं। तो देखो बच्चों, आप लोगों को मैं बता दूं कि क्लास 10th और 12th वाले दोनों बच्चे विशेष से ध्यान से देखिएगा कि टर्म 1 का जो एग्जाम होगा उसमें 40 क्वेश्चन रहेंगे 40 मार्क्स के, मतलब सभी क्वेश्चन कितने होंगे एक एक नंबर के होंगे। बच्चों सभी प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे, बहुवैकल्पिक रहेंगे। देखिए यहां लिख दिया मैंने, ऑल क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव रहेंगे, है ना। कौन सा नेचर रहेगा? ऑब्जेक्टिव नेचर रहेगा। तो सभी प्रश्न बहुवैकल्पिक रहेंगे, समय आपको 1.5 घंटा दिया जाएगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे मुझे लगातार मैसेज कर रहे थे कि क्या सर टर्म 1 में भी सब्जेक्टिव आ जाएगा? नहीं, अभी तक के अपडेट से इसमें सब्जेक्टिव नहीं ऐड हुआ है, सिर्फ इसमें ऑब्जेक्टिव ही रहने वाला है। तो आपको जो सिलेबस में आपको दो खंड में बांट दिया गया था, एक टर्म 1 का सिलेबस यहाँ पर लिखा हुआ था टर्म 1 और इधर टर्म 2। तो टर्म 1 में जो चैप्टर थे उसमें से सिर्फ ऑब्जेक्टिव उसका तैयारी करना है बच्चों, जो टर्म 2 में दिया गया उसकी कैसे तैयारी करनी मैं अभी आगे वीडियो में बताऊंगा। टर्म 1 वाला मैं आपका कंफ्यूजन अब नहीं होना चाहिए कि जो आपका मॉडल पेपर आपका रिलीज किया गया था, जो आप लोग को दिया गया था, उसी के आधार पर 40 क्वेश्चंस रहेंगे और सभी ऑब्जेक्टिव ही रहेंगे, तो उसमें आपको अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब चलिए हम टर्म 2 की बात पर चलते हैं। तो टर्म 1 आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और बहुत सारे बच्चों को मैं बता दूं कि एग्जाम हो सकता है कि टर्म 1 और टर्म 2 का एक दिन में आप लोगों को लिया जाए, है ना, कि आज जैसे कि 1.5 घंटे के लिए ये पेपर दे दिया जाए और 1.5 घंटे के लिए दूसरा पेपर भी दे दिया जाए, क्योंकि जो टर्म 2 का एग्जाम भी है बच्चों वो भी 1.5 घंटे का है, ठीक है। और इसमें देखो किस तरह के प्रश्न रहेंगे मैं बता दूं कि इसमें आपका जो पहले प्रारूप चलता था 2019 से पहले, जो आपका 2019-18 में जो प्रारूप चलता था बच्चों 2018, वही प्रारूप से क्वेश्चन आएंगे। तो बच्चों क्या आप लोगों को 2018 और 2019 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चाहिए? तो मैं तो कहूंगा नहीं, क्योंकि 2018 और 2019 का क्वेश्चन सेट करने के मतलब कि प्रैक्टिस करने से कोई फायदा नहीं है, और उसका जो क्वेश्चन का पैटर्न है मैं अभी आपको यहां पे समझा देता हूं, ताकि आप लोगों को पीछे वीडियो देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि देखो बच्चों उसमें पूरा सिलेबस से दिया हुआ है और आप लोग का सिलेबस 75% काट दिया गया है, उसमें से भी आधा पूछ रहा है, मतलब 30% या 35% आपका सिलेबस टर्म 2 के लिए है और 30 से 35% सिलेबस के लिए है और वो 100% सिलेबस के लिए है। तो वो वाला आपका प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको पैटर्न देखना तो आप देख सकते हो कि किस पैटर्न में प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन वो पैटर्न मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ तो वो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं बता दूं कि टर्म 2 में देखो बच्चों सभी तरह के एग्जाम को पहले का जो फॉर्मेट था उसमें अति लघु प्रश्न भी आते थे, लघु तरीय भी आते थे, दीर्घ तरीय। अति लघु एक एक नंबर वाले होते थे बच्चों, लघु उत्तरीय आपको 2 से 3 नंबर वाले होते थे और दीर्घ उत्तरीय 5 नंबर वाले आपके प्रश्न होते थे बच्चों। तो चलिए हम बता 5 नंबर का, किसी किसी एग्जाम में जो 100 नंबर का पेपर रहता था उसमें 6 नंबर का भी हो जाता था, और जो 80 नंबर का पेपर रहता था उसमें 5 नंबर का क्वेश्चन वो रहता है दीर्घ उत्तरीय। तो चलिए हम उसी विशेष तरीके से जो आपका रफ फॉर्मेट में बताने जा रहा हूँ, उससे पहले बच्चों जो जो टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े, देखिए मेरा टेलीग्राम ग्रुप मैंने यहाँ पर लिख दिया आप लोग को, आप लोग जल्दी जल्दी जुड़ते जाइए। देखिए टेलीग्राम ग्रुप का जो मेन ग्रुप है, मेन चैनल है, वो देखिए ये है बोर्ड आभा, आपको सर्च करना है, ब्रैकेट में करके जैक बोर्ड लिखा हुआ है, जैक बोर्ड आपको इसमें जरूर जुड़ जाना है बच्चों। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, बोर्ड आभा जैक बोर्ड आप लोग ये सर्च मारिएगा, टेलीग्राम का जो ऐसे करके जो टेलीग्राम ऐप रहता है उसमें से ऐसे करके जो यहाँ पे सर्च करने के लिए रहता है उसमें जाकर सर्च कीजिएगा ये नाम लिख के, ठीक है। तो आपको ग्रुप में वीडियो में ये ग्रुप से आप लोग जुड़ जाएगा, वीडियो के लास्ट में मैं जोड़ दूंगा कि कैसे आपको ग्रुप में जुड़ना है, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, वहाँ पर मैं बता दूंगा कि कैसे ग्रुप में जुड़ना भी है, ठीक है, खोज के। तो टेलीग्राम ग्रुप से ये मेन ग्रुप है, इसमें जरूर जुड़ जाइएगा। देखिए दो अलग से मैंने चैनल अब फिर से बना दिए हैं, क्लास 10th का स्पेशल ग्रुप और 12th का
स्पेशल ग्रुप, और क्लास टेन का स्पेशल ग्रुप का देखिए लिखा हुआ है जैकबोर्ड क्लास टेन चैंप्स, और क्लास ट्वेल्थ का आपका है जैकबोर्ड क्लास ट्वेल्व चैंप्स। तो ये दोनों चैंप्स आपको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। तो ये आपका टेंथ के लिए, ट्वेल्थ के लिए स्पेशली ग्रुप बनाया हुआ है, ठीक है। तो दोनों का स्पेशल स्पेशल ग्रुप अलग मैंने कर दिया है। तो ये आप लोग का इसमें से कोई एक में जुड़ना है, जो आप लोग क्लास में जैसे क्लास टेंथ का तो ये जुड़ लीजिएगा और ये भी जुड़ लीजिएगा, और अगर क्लास ट्वेल्थ में है तो ये वाला जुड़ लीजिएगा और ये वाला जुड़ लीजिएगा, है ना। सिर्फ क्लास टेंथ का स्पेशल ग्रुप आप लोग छोड़ दीजिएगा, और क्लास टेंथ के बच्चे क्लास टेंथ वाला स्पेशल ग्रुप में जुड़ जाएगा, मेन चैनल में जुड़ जाइएगा, ट्वेल्थ ट्वेल्थ वाला स्पेशल ग्रुप छोड़ दीजिएगा। इस तरह से करके जुड़ना है। अब चलिए फॉर्मेट की बात करता हूँ। तो देखिए बच्चों, फॉर्मेट मैंने यहाँ पे लिख दिया बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाने के लिए कि किस तरह से आपको क्वेश्चन हो सकता है। इस पर बात करने से पहले चलिए देखिए मैं बता दूँ कि 2019 का आपका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है। तो अगर आप लोग का क्लास टेंथ का बच्चे हैं, क्लास ट्वेल्थ का भी मैं आगे बताऊँगा, क्लास टेंथ का बच्चा है उसको SST का पेपर देना है। किसका पेपर देना है? SST का। तो देखो SST का पेपर 80 नंबर क्वेश्चन का होता था, तो उसमें देखो किस तरह का क्वेश्चन आता था। 20 नंबर इससे आते थे, 18 नंबर इससे, 18 नंबर इससे, 16 नंबर इससे, और 8 नंबर इससे। आपदा प्रबंधन बाद में क्वेश्चन अभी लगातार नहीं आ रहे हैं, तो डिजास्टर मैनेजमेंट देखते हैं कि क्वेश्चन आता है कि नहीं, इस बार आता है कि नहीं, आपका मॉडल पेपर में समझ में आ जाएगा। लेकिन 2019 में इस पर प्रश्न नहीं आए थे, फिर भी आप क्वेश्चन का पैटर्न समझ सकते हैं। इसका आधा आधा आ सकता है बच्चों, हो सकता है इतिहास से 20 की जगह 10 नंबर से आए, भूगोल से 9 नंबर का आए, नागरिक शास्त्र से 9 नंबर का आए, अर्थशास्त्र से 9 नंबर का आए, आपदा प्रबंधन से 4 नंबर का आए। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन का पैटर्न हो सकता है, क्योंकि 40 नंबर का हो गया तो पैटर्न वही रहेगा, सिर्फ क्वेश्चन का नंबर आपका आधा कर दिया जाएगा। अब चलिए हम यहाँ पर देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। देखो बच्चों, अगर हम क्लास ट्वेल्थ का ही फिजिक्स का लेते, क्लास टेंथ का मैं बाद में बता रहा हूँ, लेकिन प्लस क्लास ट्वेल्थ वाले सुन लीजिएगा। अच्छा चलिए, जब क्लास टेंथ के शुरू किए तो क्लास टेंथ का ही पहले मैं समझा लेता हूँ, क्लास ट्वेल्थ वाले थोड़ा सा आप सब्र रखिए, मैं नीचे वीडियो में बता रहा हूँ। तो देखो क्लास टेंथ वाला SST का मैंने बता दिया। अब देखो पूरा क्वेश्चन पैटर्न समझो। साइंस का जो पेपर आपका 2019 में जो बच्चा पूछा गया था, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री का ग्रुप ए बना था, और ग्रुप ये ग्रुप ए था, ग्रुप ए और ये ग्रुप बी। तो देखो एक नंबर वाले क्वेश्चन 10 इधर थे और 5 इधर थे, मतलब 15 नंबर आपका क्या हो गया, एक नंबर वाले क्वेश्चन थे। दो नंबर वाले क्वेश्चन देखो कितने थे, 6 और 4, 10 नंबर क्वेश्चन दो नंबर वाले थे बच्चों। तीन नंबर वाले क्वेश्चन देखो 6 और 4, 10 क्वेश्चन थे बच्चों। और 5 नंबर वाले क्वेश्चन 2 और 1, मतलब 3 नंबर वाले थे। इधर बायो का सेक्शन था, इधर फिजिक्स केमिस्ट्री का मतलब कि सेक्शन था। तो आप लोग देख सकते हैं कि बायोलॉजी का ज़्यादा वेटेज रहता है, तो बायोलॉजी आप लोग विशेष जरूर ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर बायोलॉजी पढ़े कि नहीं पढ़े, बायोलॉजी पर विशेष ध्यान दें। देखिए यहाँ पर वेटेज है, 10 का आधा 5 यही है, आधा है 6 का 4, देखो ज़्यादा यही है, यही ज़्यादा है, 6 से 4 यही ज़्यादा है, और 2 का आधा, तो आधा आधा भी है और ज़्यादा ज़्यादा भी। तो हम लोग बोले, मैं तो बोलूँगा कि बायोलॉजी पर विशेष ध्यान दीजिएगा क्लास टेंथ के बच्चे, साइंस पर, ठीक है। और SST का मैंने दिखा ही दिया, और देखो यहाँ पे इसका आधा हो जाएगा। अब जैसे देखो ये 80 नंबर पर बनाया मैंने, 40 नंबर का जब होगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये 10 की जगह 5 रहेगा, है ना। ये हो सकता है कि 5 की जगह 2 देते, ये वाला आपको 4 की जगह 3 दे दे, इस तरह से करके सेट किया जाएगा, 6 की जगह 3 रहेगा। तो आप लोग देखो एक नंबर वाले क्वेश्चन की संख्या अभी भी कुछ ना कुछ है, ऐसा नहीं कि एक नंबर वाला क्वेश्चन नहीं आएगा। ये हो गया आपका क्लास टेंथ का फॉर्मेट बच्चों। तो क्लास टेंथ वाले अगर आप लोग मतलब कि इसका लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट तो ले सकते हैं, और इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग बच्चे ले सकते हैं, जिनको भी जुड़ना है। देखिए यहाँ पे, ठीक है बच्चों, बाद में बोलते हैं कि सर स्क्रीनशॉट, तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो, बाद में देख सकते हो कि बोर्ड आवाज जैक बोर्ड में जुड़ना भी है। यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप का मैं यहाँ पे जूम कर देता हूँ, इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो आप लोग ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। अब चलिए ये वाला मैं क्लास ट्वेल्थ की बात करता हूँ। क्लास ट्वेल्थ का देखो फिजिक्स का मैं दिखा रहा हूँ, क्लास ट्वेल्थ का फिजिक्स, इसी तरह केमिस्ट्री बायोलॉजी। देखो यार एक मैं बात बता दूँ कि ये सिर्फ साइंस का है, इसी तरह से SST का भी होगा, जिसमें से 5 सेक्शन बनेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, है ना, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस इसको बोलते हो, और मैथ का थोड़ा सा पैटर्न अलग रहता है। मैथ का देखो मैंने 2019 का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन ही डाल दिया 2019 का, तो वो भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है, वहाँ पे किस तरह का पैटर्न से आया था। अब क्लास ट्वेल्थ का देखो बच्चों फिजिक्स का, तो ग्रुप ए में देखो यहाँ पे किस तरह के क्वेश्चन हैं, यहाँ पे ग्रुप बी होगा, यहाँ पे ग्रुप बी है, यहाँ पे ग्रुप सी है, यहाँ डी है, ये छूट गया मेरे से, ठीक है। तो आप लोग ग्रुप से यहाँ से समझ लीजिएगा। तो देखो ये सिर्फ मैंने फिजिक्स का बनाया, और आपका फिजिक्स 70 नंबर का होता है, ठीक है। तो 70 नंबर पर मैंने समझाया, इसी तरह से आपका 35 से 40 नंबर जो भी नंबर का आपका रहेगा ये पेपर, अगर जो नया पैटर्न आएगा तो इसी का आप लोग आधा समझ सकते हैं। तो देखो किस तरह से रहता है बच्चों, आप लोग का जो क्वेश्चन रहता था वो 70 नंबर पर किस तरह था सर देख लीजिए। और मैं बता दूं कि ऊपर वाला क्वेश्चन भी आप लोग देख सकते हैं कि कितना नंबर का आप लोग जोड़ भी सकते हैं। 10, 5, 15 नंबर का ये है क्लास टेंथ वाला, 6, 4, 10, 2, 20 नंबर का ये है, 6, 4, 10, 30 नंबर का ये है, और 5, 2, 5, 3, 15 ये है। तो आप लोग देख सकते हैं कि 30, 20, 50, 30 ये 80 नंबर का पेपर था क्लास टेंथ का, मैं फिर से बता दूं 80 नंबर का। अब क्लास ट्वेल्थ वाला देख लो, यहाँ पे आप लोग हिसाब लगा सकते हैं कि 15, 15 कम 15, 8, 2, 16, और फिर 8, 3, 24, और 5, 3, 15 कितना, वो 15, 15, 30, और 16, 24 कितना था, 40। तो देखिए 70 नंबर का पेपर था, 40, 30, 70 होता है। तो ये 70 नंबर का आपका पेपर था बच्चों, 70 मार्क्स का,
यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 70 मार्क्स फुल था इसमें, ऊपर वाले बच्चे क्लास टेंथ वाला समझ गए होंगे वो 80 नंबर का पेपर था, तो आप लोगों का जस्ट आधा हो जाएगा साइंस वाले क्लास टेंथ वाले। और क्लास ट्वेल्थ वाले देखें 15 क्वेश्चन थे बच्चों, देखो बच्चों यहाँ पे इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था और यहाँ पे देखो मैंने ऑब्जेक्टिव नहीं लिखा क्लास टेंथ वाले, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रह भी सकता नहीं भी रह सकता, इसमें ऑब्जेक्टिव के साथ साथ एक उत्तरीय प्रश्न एक लाइन का आंसर भी था, दो तीन लाइन का आंसर भी था। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि चार विकल्प दिए जाएंगे उसमें से कोई एक सही होगा, और जिसमें बहुवैकल्पिक नहीं रहता उसमें ऐसा लिखा भी जा सकता है, जैसे पूछ दिया कि फ्रांस की राजधानी कहाँ है तो उसका आंसर लिखना होगा कि फ्रांस की राजधानी पेरिस है, तो वो एक नंबर यहाँ पे दे देगा। उस तरह से करके मैं कह रहा हूँ कि ये इस तरह का भी था, पूरा लिखना पड़ता एक लाइन, तो उस तरह का भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड था और एक दो क्वेश्चन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव भी था। तो ऑब्जेक्टिव प्लस मतलब कि रिटर्न यहाँ लिख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव प्लस रिटर्न मतलब ऑब्जेक्टिव के साथ साथ रिटर्न वाला भी आएगा, ठीक है। लेकिन क्लास ट्वेल्थ वालों को देखो यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव ही पूछा था, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव। लेकिन केमिस्ट्री में मैं बता दूँ कि केमिस्ट्री में ऑब्जेक्टिव प्लस आपका एक लाइन वाला आंसर भी था, तो दोनों था, ठीक है। तो यहाँ देखो ये ऑब्जेक्टिव था 15 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन आपके थे दो दो नंबर वाले बच्चों, और 8 क्वेश्चन तीन तीन मार्क्स वाले थे और 3 क्वेश्चन आपके 5-5 नंबर वाले थे। तो जब ये 40 मार्क्स का कर दिया जाएगा या 35 मार्क्स का, तो जस्ट इसका आधा कर दिया जाएगा बच्चों, लेकिन पैटर्न सेम रहेगा। 15 क्वेश्चन की जगह 7 से 8 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे ऑब्जेक्टिव, 8 के जगह 4 क्वेश्चन हो जाएंगे दो नंबर वाले, 8 के जगह हो जाएंगे 4 या 5 क्वेश्चन तीन नंबर वाले, और 3 क्वेश्चंस मतलब 2 या 3 क्वेश्चंस, 2 या 1 या 2 क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे 5 नंबर वाले। तो इस तरह से सेटिंग किया जा सकता है, मतलब ये 7 से 8 रहेगा, ठीक है। ये आपका 6 से ये आपका 3 से 5 के बीच में रहेगा, ये भी आपका 3 से 5 के बीच में रहेगा, और ये आपका 1 से 2 के बीच में रहेगा। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इस तरह से आपका क्वेश्चन पैटर्न रहेगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको एग्जाम का रफ एस्टिमेट जो होता है कि आप लोग का अनुमान लगाना, वो मैंने यहाँ पे बता दिया, इसी लगभग इसी तरह से आपका पैटर्न रहेगा। टर्म टू में आपका सभी तरह के क्वेश्चन रहेंगे, अति लघु, लघु और दीर्घ। अति लघु में बता दूँ कि ये दोनों को अति लघु कहा जाता है, इसको लघु कहा जाता है, इसको दीर्घ उत्तरीय कहा जाता है। 5 नंबर वाले क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय होते हैं। तो इस तरह से आज मैंने देखिए आपको पैटर्न जो होने वाला था उसको विशेष बात कर ली है। आप लोग फिलहाल इसी पैटर्न को फॉलो कीजिए, तैयारी कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, वीडियो को शेयर जरूर कर देना, टेलीग्राम ग्रुप से फिर से मैं कह रहा हूँ कि जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप में कैसे जुड़ना है चलिए मैं बता देता हूँ, और बाकी देख लीजिएगा, ठीक है। देखो बच्चों कैसे जुड़ना है, यहाँ पे देखो टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम ऐप आपको ओपन कर लेना है। टेलीग्राम ओपन करने के बाद देखो टेलीग्राम जैसे ही ओपन होगा तो यहाँ पे आप देखिए टेलीग्राम ऐप ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको सर्च वाला जो बटन दिख रहा है ना, देखिए यहाँ पे सर्च वाला आइकन, तो यहाँ पे आपको इसे करना है। अगर टेलीग्राम ऐप नहीं किया इंस्टॉल तो टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, वहीं पर आपको मिलेगा। अब देखो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, बोर्ड आभा क्या लिखना है, देखो बोर्ड आभा लिख देता हूँ मैं, BOARD बोर्ड AABHA। देखो यहीं पे आपको सभी चैनल मिल जाएंगे, देखो ये क्लास टेंथ का है सबसे ऊपर वाला, देखो ये वाला जो अभी काला दिख रहा है, क्लास जैक बोर्ड, क्लास टेंथ चैम्प्स चैट बोर्ड, चैट ग्रुप लिखा हुआ है जैक बोर्ड आभा, तो ये अभी आपको जुड़ना है क्लास टेंथ वाले बच्चों को। फिर देखो बोर्ड आभा चैट ग्रुप, इसको भी जुड़ सकते हैं, बोर्ड आभा चैक बोर्ड और जैक क्लास टेंथ चैम्प्स, ये चारों मेरे ही चैनल है क्लास टेंथ वालों के लिए। तो देखो चार ग्रुप में आप लोग को जुड़ जाना है क्लास टेंथ वाले बच्चे। ये दोनों मेन ग्रुप है जो अभी मैंने छुआ है, ये आपका मेन ग्रुप है, जो फिर मैंने छुआ है ये भी मेन ग्रुप है, और ये दोनों जो आपको दिख रहा है जो अभी मैंने छुआ है, और ये वाला नीचे वाला, ये दोनों आपका चैट ग्रुप है और आपका क्लास टेंथ का स्पेशल। अब देखो क्लास ट्वेल्थ वाले बच्चों को किसमें किसमें जुड़ना है, बोर्ड आप जैक बोर्ड देखो इसमें जुड़ना है जो अभी टिक मरा गया है, ठीक है, और क्लास ट्वेल्थ चैंप्स, ये दोनों में आप लोग को जुड़ जाना। तो ये दो ग्रुप आप लोग को जुड़ना है क्लास ट्वेल्थ वाले बच्चों को, और बाकी जो मैंने बताया है चार ग्रुप या तीन ग्रुप। चैट ग्रुप में अगर आप लोग बात करना चाहते हैं, इसमें क्लास ट्वेल्थ और टेंथ के दोनों बच्चे हैं, देखो ये वाला जो अभी मैंने छुआ हुआ है, देखो ये ब्लैक हो गया है, ठीक है, तो ये इसमें दोनों क्लास के बच्चे हैं। लेकिन जो क्लास टेंथ चैंप्स है और क्लास टेंथ आपका जो ये वाला चैंप्स है, ये आपका सिर्फ टेंथ का बच्चा है, क्लास ट्वेल्थ चैंप्स में सिर्फ ट्वेल्थ के बच्चे हैं। और बोर्ड आप चैट ग्रुप सबसे मेन ग्रुप है, सबसे ज़्यादा मेन ग्रुप देखो यही है, सबसे ज़्यादा बच्चे इसी में जुड़े हुए, 3000 बच्चे, 2717, तो इसी को टच कीजिएगा इसे। चलिए मैं ज्वाइन करके दिखाता हूँ, ऐसे करके ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो ग्रुप आपको दिखने लगा है, तो इसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, धन्यवाद।